हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज से हम एक नई प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिनमें हम पहले फैक्ट को कवर अप किया था। अब हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे RRB NTPC ग्रुप डी, या जो कहें कि हम रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं अभी तक, उन सभी में पूछे गए, विगत वर्षों में पूछे गए उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर पूछे गए हैं और बहुत सी बार वापस से पूछे जाने की संभावना भी बनती है, जिसके वीडियो आपको डेली दो बार आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सुबह और शाम को आपको डेली दो क्लासेस मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, जनगणना। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, या कहें कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित विषय है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके? संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। वहीं भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वो वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस तरह में या किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत अर्थात लीवर तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, या मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो मछली के यकृत अर्थात लीवर ऑयल में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट आता है शुद्र ग्रह। शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? शुद्र ग्रह अक्सर किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही शुद्र ग्रह को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बुलबुल नहीं, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य में थी। किस में थी? जम्मू कश्मीर में। अभी भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी बन गई हैं, अब वह राज्य नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर खुद हैं। अगला था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि डे से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, फिर चाहे आपसे वो डे पूछ लें, उसकी टैगलाइन पूछ लें, उसकी थीम, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला था है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो यह दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। अगला था है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? सामान्यतः मानव के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या रहा है, या कहें अंतिम मुगल सम्राट का नाम बताएं? तो अंतिम मुगल सम्राट का नाम बहादुर शाह द्वितीय था। क्या था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला था है काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। अगला था है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की संख्या 12 है, 12। नेक्स्ट आता है, एंजाइम मूल रूप से होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है और अक्सर इस प्रश्न को हम ढूंढते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है और काफ़ी जल्दी इसको गलत भी कर देते हैं। एंजाइम मूल रूप से हमें याद रखना है कि प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यह आपकी रेलवे के साथ साथ जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम बताएं। सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम क्या है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र है। अगला था है, बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश का शासक रहा था? तो बिंदुसार किस वंश का शासक रहा है दोस्तों? तो यह मौर्य वंश का शासक रहा है। अगला आता है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है, या कहें किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। अगला आता है, मकाऊ की मुद्रा। मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? पटाखा।
पटाखा कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की। और मकाऊ जो कि थाईलैंड का एक प्रमुख शहर है, और यह काफ़ी कहें एक थोड़ा सा चर्चित या बदनाम भी कहें, यह उन शहरों में से एक आता है। अगला आता है सॉरी, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? आज हम जो सिनेमा देखने जाते हैं, टॉकीज कहें, यह इसका आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा टॉकीज का आविष्कार निकोलस और जॉन लूथिए ने किया था। किसने किया था? निकोलस और जॉन लूथिए ने किया था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? इसका तो हम सभी को आंसर पता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के राजकवि का नाम क्या था? हर्ष के राजकवि का नाम क्या था? तो बाणभट्ट था। या कहे बाणभट्ट किसका राजकवि था? तो यह हर्ष का था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। और एडवर्ड टेलर ने काय का आविष्कार किया था? हाइड्रोजन बम का। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राओं को किनने चलाया था? या कहें भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के काल में, या कहें यूनानियों ने प्रारंभ की थी। किनने स्वर्ण मुद्राएं? यूनानियों ने प्रारंभ की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बहरुद्दीन तैयब जी था। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी था, सॉरी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतिहास में चर्चित रहा है, राज्य अपहरण नीति या कहें अपहरण नीति को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट आता है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुंडा जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा कहाँ है ये? तो ये सभी इंडोनेशिया में है। तो ये जावा और सुमात्रा, सुंडा जल डमरू इन्हीं के मध्य स्थित है। अगला आता है, राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन या किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। गांधी इरविन के मध्य समझौता, या जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, यह कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट आता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हम सभी को पता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक या कहें अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की है, और ये सभी प्रश्न आगामी रेलवे के साथ साथ SSC हो या सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।